हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में सेल रेफरेंस के साथ में क्वेरी फंक्शन लगाना देखते हैं। क्वेरी फंक्शन के ऑलरेडी 6 वीडियो बन रखे हैं। डिटेल में देखना हो तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और इसमें ओनली सेल रेफरेंस के साथ में क्वेरी फंक्शन लगाना देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेरी फंक्शन से और ये ड्रॉप डाउन मेनू बना रखा है। इस सेल रेफरेंस में प्रोडक्ट के कैटेगरी है, ऑल प्रोडक्ट, मोबाइल, जैसे मोबाइल है ये चेंज हो जाएगा मोबाइल के अकॉर्डिंग, कीबोर्ड के अकॉर्डिंग, लैपटॉप और ऐसे ही ऑल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्वेरी फंक्शन लगा रखा है और सेल रेफरेंस ये। अगर क्वेरी फंक्शन के साथ में गूगल शीट में काम करना हो सेल रेफरेंस का भी जरूरी है। अब यहाँ पे लगाते हैं, उससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्वेरी डेटा, यहां से लेके यहां तक कॉमा, क्वेरी का पार्ट सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे ए बी सी एफ, इतना लेके चलते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एफ, सेल्स अमाउंट कॉमा वन हेडर के लिए एंटर, ये सारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, दो चार स्पेस दे देते हैं। प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट है डेटा में सी कॉलम, अब यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं वेयर सी इज इक्वल टू मोबाइल एंटर। अब ये ओनली मोबाइल का आएगा, अभी लैपटॉप भी है, ये सारे मोबाइल के आ गए। अगर लैपटॉप चाहिए ये सारे लैपटॉप के आ जाएंगे। ये तो हो गया मैनुअल। अब हमें देना है सेल रेफरेंस, इसको सेल रेफरेंस देंगे क्वेरी के अंदर। अब ये जो मैनुअली किया इसको हटा देते हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड F3 एंड डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन एंटर, अब ये मोबाइल का आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज करेंगे कीबोर्ड, ये सारे कीबोर्ड के हैं, माउस के, लैपटॉप के, और सी इज इक्वल टू, मैनुअली हम सिंगल कोटेशन के बीच में कर रहे थे, सी इज इक्वल टू यहाँ पे मोबाइल लिख रहे थे, सिंगल कोटेशन के बीच में एम परसेंट के साथ में ये सेल रेफरेंस दे देंगे एंड F3 एंड डबल कोटेशन के बीच में, बाहर सिंगल कोटेशन, सबसे बाहर सिंगल कोटेशन देन डबल कोटेशन देन एम परसेंट, दोनों तरफ होना चाहिए, देन बीच में सेल का नेम F3। अगर ये लिखने में आपको याद नहीं रहता या आपको ये कन्फ्यूजन सा लगता है तो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। सबसे लेफ्ट में 3 टाइम्स डबल कोटेशन एंड सेल रेफरेंस एंड फिर अगेन राइट साइड से 3 बार डबल कोटेशन, ये भी सेम काम करेगा। ये देखिए, और ये भी सेम काम इसलिए करेगा, यहाँ से यहाँ इसके बीच में इसके बीच का वैल्यू भी, जैसे माउस है अभी ये माउस आ जाएगा, 3 टाइम्स डबल कोटेशन एंड सेल रेफरेंस एंड 3 टाइम्स डबल कोटेशन। अब ये तो हो गया
जो प्रोडक्ट है डेटा के अंदर, बाकी ये ऑल प्रोडक्ट ये ब्लैंक आ जाएगा, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट डेटा वैलिडेशन यहाँ से ले रखा है, ये ऑल प्रोडक्ट, सॉरी ये इस डेटा के अंदर टोटल प्रोडक्ट इतने हैं, 1 2 3 4, और ये हमने इसे ऊपर ये मैनुअली ऑल प्रोडक्ट करे, जैसे माउस है इसमें लगा रखा है, अभी कीबोर्ड है ऑल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज किया है, यहाँ पे लगा दिया इज इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट होगा तो अभी 1 करते हैं, नहीं तो 0। अब 1 की जगह पहला कंडीशन में ये डाल देंगे, अगर ऑल प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा, बट इसका वेयर का पार्ट हट जाएगा क्योंकि टोटल चाहिए, अदरवाइज ये टोटल हो जाएगा, और ये फिल्टर करके F3 एंटर। अब इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, डिलीट, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अब ये ऑल प्रोडक्ट भी आ जाएगा, लैपटॉप ये ओनली लैपटॉप के, देन ऑल प्रोडक्ट, और इसको अरेंज कर लेते हैं, अल्ट एंटर, कंडीशन ट्रू पार्ट ये, फॉल्स पार्ट ये तो हमने बाहर से इफ लगाया, इफ कंडीशन के अंदर क्वेरी फंक्शन लगाया, बट क्वेरी फंक्शन के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, एक ही क्वेरी फंक्शन में इफ कंडीशन लग जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो में क्वेरी फंक्शन सेल रेफरेंस के साथ में यूज करना देखा, आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।